नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया ये हमारा टॉपिक है आज का। अब देखो, बैक्टीरिया के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरीके से होता है। तो ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। एक तो वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, और दूसरा वो रिप्रोडक्शन करते हैं सेक्सुअली, सेक्सुअली एंड सेक्सुअली। ठीक है, यानी कि इनके अंदर अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन होता है। अब यहाँ जो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के साथ साथ ही पढ़ते हैं। मतलब यहाँ पर दोनों को एक साथ मिक्स करके, चाहे तो हम अलग भी कर सकते हैं और एक साथ भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम एक ही चीज़ को प्रिफर करेंगे, एसेक्सुअली। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है ना, वो वास्तविक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, यानी कि यहाँ पर नो एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना वो नहीं होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है वो होता है। क्या होता है, यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है आपका, जेनेटिक मटेरियल, उस जेनेटिक मटेरियल का क्या होता है, यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होता है। जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है उसका रिकॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब अनुवांशिक पदार्थ जो है वो रिकम्बाइन होता है। ठीक है, अब जो बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन हो रहा है उसको हम निम्न भागों में पढ़ सकते हैं। जैसे कि पहला हमने कहा, नंबर एक जो है हमारा वो रहेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमारा वो कौन कौन से प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये निम्न प्रकार से होता है, यानी कि इसके फॉलोइंग टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं उसके बारे में हम बात करें। ठीक है, कौन कौन से टाइप से ये होता है, उसमें नंबर एक जो है वो हम पढ़ेंगे बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन। दूसरा जो प्रकार हम पढ़ेंगे वो रहेगा हमारा बडिंग। दूसरा प्रकार जो होगा वो क्या होगा, बडिंग होगा। थर्ड प्रकार जो होगा हमारा वो होगा सिस्ट फॉर्मेशन। सिस्ट फॉर्मेशन, सिस्ट को बोलते हैं पुटिका, और पुटिका का निर्माण होना कहलाता है सिस्ट फॉर्मेशन। ठीक है, चौथा प्रकार है हमारे पास, फोर्थ टाइप का, वो रहेगा सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन। ठीक है, और पांचवा प्रकार रहेगा हमारा कोनिडिया, कोनिडिया। ठीक है, पांचवा प्रकार जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, कोनिडिया, किस प्रकार से बनते हैं। ठीक है, कोनिडिया। और छठा प्रकार जो है वो हमारा रहेगा ओइडियो स्पोर। ठीक है, और सातवां प्रकार रहेगा हमारा एंडो स्पोर, एंडो स्पोर। अब देखो, किसी किसी किताब में आपको यहाँ तक का जो प्रोसीजर है, यहाँ से यहाँ तक का प्रोसीजर, वो आपका वेजिटेटिव, वेजिटेटिव के रूप में शो हो रहा होगा। ठीक है, और ये जो तीन है इनको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में दिखाया गया होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। आपने ये पढ़ा होगा तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ें वही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ से। हम इसको एक ही टॉपिक के अंदर पढ़ लेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, आप चाहो तो इसे दो भागों में बांट सकते हो। ये जो एक दो तीन चार है उनको आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के रूप में शो कर सकते हो, और इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो ही नहीं रहा है, तो ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आ जाएंगे सबके सब। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो हमारा है बाइनरी फिजन, उसके बारे में हम बात करते हैं कि बाइनरी फिजन जो है वो किस तरीके से होता है। सबसे पहले हम पॉइंट डालेंगे नंबर एक, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, ठीक है। अब देखो, बाइनरी फिजन जो है वो क्या होता है। बाइनरी फिजन की अगर आप बात करोगे तो बाइनरी जो फिजन है, बाइनरी का मतलब होता है दो भागों में बंटना। कुल मिलाकर ये जो स्ट्रक्चर बनती है यहाँ पर बैक्टीरिया की, वो किस तरह से बनती है। देखो, यहाँ पर जो बैक्टीरिया होता है वो इस तरह से बैक्टीरियल सेल होती है,
और बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है हमारा क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, अब ये जब डिवीजन करता है तो ये जो बैक्टीरियल सेल होती है सबसे पहले, सॉरी ये कलर चेंज करें, जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर, देखिए हो गया ठीक है। तो देखो पहले बैक्टीरियल सेल बना लेते हैं अपन यहाँ पर, ये बैक्टीरियल सेल है और इस बैक्टीरियल सेल के अंदर जो डीएनए होगा पहले वो रेप्लिकेट, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, बैक्टीरियल सेल के अंदर डीएनए जो है आपका बैक्टीरियल डीएनए वो रेप्लिकेट होगा, बाइनरी फिजन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल है वो डिवाइड होती है एनवायरनमेंट कंडीशन के आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर, फूड की अवेबिलिटी के आधार पर कि फूड जो है वो किस तरह का है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या होता है, जीनेटिक मटेरियल का जो है क्या होता है, डिवीजन होता है। फिर उसके बाद में सेप्टा बनता है, सेप्टा बनता है। तो जो सेप्टा बनता है ना, तो वो यहाँ पर बीच में बनता है, ठीक है। सेप्टा जो होता है वो बीच में, यहाँ पर सेप्टा का फॉर्मेशन होता है। तो सेप्टा का फॉर्मेशन कर देते हैं हम यहाँ पर दूसरे सेकेंड फेज के अंदर। यहाँ पर हम जो है पहले सेप्टा बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये दो हमारे डीएनए बन गए यहाँ पर, दो डीएनए बनने के बाद में ये इस तरीके से सेप्टा बन जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और फिर लास्ट में ये जो सेप्टा होगा ये अलग अलग हो जाएगा और दो कोशिकाएं अपनी बना लेगा। इस प्रोसीजर को हम बोलेंगे बाइनरी फिजन। थोड़ा सा मैं आराम से बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए इस तरीके, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कहलाएगा आपकी बाइनरी फिजन। समझ में आ गई है, मेरे पीछे जो दिख रही है आपको बाइनरी फिजन इस तरीके से, ठीक है। तो पहली बात तो हमें देखें कि बाइनरी फिजन जो होता है वो ऑप्टिमल एनवायरनमेंट कंडीशन जो होती है उसी के अंदर होता है। तो बाइनरी फिजन जो है वो ऑप्टिमल एनवायरनमेंट कंडीशन जो होती है, ऑप्टिमल एनवायरनमेंट कंडीशन, ठीक है, उसमें ही होता है। अब ये ऑप्टिमल एनवायरनमेंट कंडीशन कौन सी होती है, जैसे कि फूड का अवेलेबल होना, वाटर का अवेलेबल होना, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो सिंगल सेल होती है, सिंगल सेल वो डिवाइड होती है, डिवाइड टू सेल में, दो कोशिकाओं में डिवाइड होती है। एक कोशिका डिवाइड होकर कितनी कोशिकाएं बनाती है, दो कोशिकाएं। एक कोशिका है डिवाइड होकर कितनी बना रही है, दो कोशिकाएं बना रही है, ठीक है। अब ये जो बाइनरी फिजन है इसको हम अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे सबसे पहला नंबर एक, नंबर एक हम डिवाइड करते हैं इसको, यहाँ पर हम नंबर एक पॉइंट डाल लेते हैं, डिवीजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। सबसे पहले क्या बनेगा हमारा, डिवीजन किसका होगा, जेनेटिक मटेरियल का। तो डिवीजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ का क्या होगा भाई, डिवीजन होगा। सबसे पहला काम ये रहेगा कि अनुवांशिक पदार्थ जो है वो क्या हो, डिवाइड हो, ठीक है। तो अनुवांशिक पदार्थ का डिवीजन कैसे होता है, ये अनुवांशिक पदार्थ है यानी कि जेनेटिक मटेरियल है, ये दो भागों में डिवाइड होगा। तो डिवाइड करने के लिए क्या होगा कि ये रेप्लिकेशन करेगा। सबसे पहले तो जो डिवीजन होगा कब होगा, जब बैक्टीरिया की सेल अपनी साइज को अटेन कर लेगी, ठीक है ना। जो बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल सेल क्या कर ले, अटेन मैक्सिमम साइज, जब ये अपनी मैक्सिमम साइज को अटेन कर लेगी, ठीक है, तो फिर एक फिक्स साइज होगी इसकी, एक फिक्स आकार होगा, उस आकार को अटेन करने के बाद में ये लंबाई में वृद्धि करेगी। मैक्सिमम साइज अटेन करने के बाद में ये क्या होगी, एलोंगेटेड होगी, एलोंगेटेड मतलब कि लंबाई में अपनी वृद्धि करेगी, ठीक है। ये थोड़ा सा ई लिखना है यहाँ पर स्पेलिंग में, क्या होगी ये, एलोंगेटेड होगी मतलब कि अपनी आकार में क्या करेगी, वृद्धि करेगी, ठीक है, अपने आकार में वृद्धि कर लेगी, लंबाई में वृद्धि करेगी। पहले तो छोटी रहेगी, फिर बाद में अपनी फुल साइज को ले लेगी, भाई इसका आकार होता है, फिर वो अपने आकार में वृद्धि करेगी। अपने आकार में जब जब ये वृद्धि करेगी तो इसी समय पर, साइमल्टेनियसली इसी समय पर जो जीनेटिक मटेरियल है, जीनेटिक मटेरियल जो भी इसका जीनेटिक मटेरियल होगा, अनुवांशिक पदार्थ जो होगा, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, यहाँ पर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, टू पार्ट्स में डिवाइड होगा, और यहाँ पर साइमल्टेनियसली ही उसका क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। जब ये एलोंगेशन करेगी उसी समय क्या होगा, इसका रेप्लिकेशन होगा।
रेप्लिकेशन जो होता है बैक्टीरिया के अंदर वो होता है यहाँ पर आपका सेमी कंजर्वेटिव टाइप का, सेमी कंजर्वेटिव टाइप का रेप्लिकेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, अब टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया जेनेटिक मटेरियल, यानी कि दो भाग बन गए इस तरह से जेनेटिक मटेरियल के। अब क्या होगा, सेप्टा का फॉर्मेशन होगा, तो इस तरह के सेप्टा बनेंगे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हम डाल लेंगे यहाँ पर नंबर दो, फॉर्मेशन ऑफ सेप्टा, फॉर्मेशन ऑफ सेप्टा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सेप्टा। अब देखो सेप्टा का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो ये कोशिका होती है अंदर वाली, यहाँ पर एक इन्वेजिनेशन बनता है, खांच सी बनती है सेल के अंदर, खांच बनती है, तो खांच बनती बनती हुई पूरी चली जाती है, तो सेप्टा का फॉर्मेशन होता है। कुल मिलाकर बात है सेप्टा का फॉर्मेशन कैसे होता है। देखो जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उस सेल मेम्ब्रेन में इन्वेजिनेशन स्टार्ट होता है। इन्वेजिनेशन क्या होता है, स्टार्ट। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें इन्वेजिनेशन स्टार्ट होता है, कहाँ पर, मिडिल में। ये ध्यान रखना है कहाँ पर होता है, मिडिल में, बीच में, जो बैक्टीरिया की सेल होगी उसके बीच में। जैसे ये बैक्टीरिया की सेल है अपने पास में, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होगी ना, सेल मेम्ब्रेन में ऐसे बीच में इन्वेजिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह से बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम इन्वेजिनेशन। ठीक है, अब जो सेल वाल होती है वो सेल वाल भी इस इन्वेजिनेशन को फॉलो करती है, मतलब इसी के साथ साथ वो भी धसना शुरू हो जाती है, उसकी वजह से यहाँ पर बन जाता है एक, देखो ये इस तरह से बन गई थी, अब सेल वाल भी इस तरह से धसना शुरू हो जाती है। तो जब सेल वाल भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अनुसरण करती है या उसको फॉलो करती है, इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर, इसको स्ट्रक्चर को कहा जाता है आपका सेप्टम इनिशियल। क्या कहा जाता है, सेप्टम इनिशियल, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, सेप्टम इनिशियल स्टार्ट हो जाता है, मतलब यहाँ पर सेप्टा बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, फिर ये धीरे धीरे मूव करता है अंदर की तरफ में, और कोशिका का जो साइटोप्लाज्म होता है वो दो भागों में बट जाता है, दोनों भाग बराबर समान आकार के हो। ठीक है, फिर दोनों कोशिकाएं सेपरेट हो जाएंगी। तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, इन्वेजिनेशन स्टार्ट होगा कहाँ पर, बीच में। ठीक है, जो इनर मोस्ट लेयर होगी, इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति की जो सबसे अंतिम लेयर होगी, ठीक है, वो फॉलो करेगी, फॉलो सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को फॉलो करेगी, कहने का मतलब है सेल मेम्ब्रेन के जैसे ही वो भी धसना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और क्या बना देगी, और बना देगी फॉर्म सेप्टम इनिशियल। ठीक है, क्या बना देगी, ये सेप्टम इनिशियल बना देगी। ठीक है, अब ये जो इन्वेजिनेशन है, ये इन्वेजिनेशन स्टार्ट हो गया, तो ये इस जो सेप्टम इनिशियल है, इस सेप्टम इनिशियल एक प्रकार का इन्वेजिनेशन है। ठीक है, जब ये सेप्टम इनिशियल अंदर की तरफ में बढ़ेगा, ठीक है, मूव स्लोली, धीरे धीरे, ठीक है, एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, ऊपर वाला नीचे वाले की तरफ, नीचे वाला ऊपर वाले की तरफ, मूव स्लोली टुवार्ड टुवार्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, टुवार्ड ईच अदर, एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जब ये एक दूसरे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तो लास्टली ये सेंटर तक पहुंच जाएंगे और साइटोप्लाज्म को दो भागों में डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड इंटू टू पार्ट। ठीक है जी, साइटोप्लाज्म जो होगा वो क्या होगा, दो भागों में बट जाएगा आपका। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म दो भागों में बट गया, तो क्या होगा, सेप जो डॉटर सेल बनेगी, मतलब ये जो दो पार्ट बने हैं इसके, इन दोनों को क्या होना है, डिवाइड होना है, अलग अलग होना है, सेपरेट होना है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हम डाल लेंगे यहाँ पर नंबर तीन, वो क्या होगा, सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ डॉटर सेल। ठीक है, डॉटर सेल का सेपरेशन। ठीक है, ये डॉटर सेल कैसे सेपरेट होती है, अब देखो जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही गहरा हो जाएगा यहाँ पर, जो कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर, जो
कंस्ट्रिक्शन है, कंस्ट्रिक्शन वो क्या हो जाएगा, वो डीपन हो जाएगा, डीपन, ठीक है, डीपन का मतलब गहरा हो जाएगा, ठीक है, और सेल को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, सेल डिवाइड कंप्लीटली, ठीक है, सेल जो है कंप्लीटली क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब जो नई सेल बनेगी, सेल डिवाइड कंप्लीटली एंड फॉर्म फॉर्म न्यू सेल, क्या बनाएगी, न्यू सेल बनाएगी। अब ये जो नई सेल बनेगी ये डॉटर की तरह व्यवहार करेंगे, जो न्यू सेल बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, आपकी डॉटर सेल कहलाएंगे, और ये जो डॉटर सेल होंगी ये डॉटर सेल इंक्रीज करेंगी अपनी, इंक्रीज इन साइज और सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग होकर, सेपरेट होकर इंक्रीज करेंगे अपनी साइज को, ठीक है। अब देखो यहां पर जो सेल वॉल बनेगी, क्योंकि अभी तो डिवीजन हुआ है साइटोप्लाज्म का और इनर पार्ट जो है उसकी खांच बनी है, तो यहां पर दोनों सेल में, जो तो दोनों सेल है उनमें नई सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। बोथ सेल, जो दोनों सेल है, ये जो दोनों सेल होंगी आपकी, एक सेकेंड, तो दोनों सेल होंगी, बोथ सेल, ये क्या करेंगी, ये खुद की सेल वॉल को डेवलप करेंगी, तो ये डेवलप देयर ऑन सेल वॉल, खुद की सेल वॉल को ही क्या करेंगी, ये डेवलप करेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो पूरा प्रोसीजर हुआ तीन भागों में जिसको हमने बांटा, इसको यहां पर हम स्टार से लिख देते हैं। जो रेट है इसकी, रेट दर में कितना समय लगता है, रेट ऑफ बाइनरी सेल डिवीजन, ठीक है, ये बहुत ही स्लो है, शुरुआत में बहुत ही स्लो होता है, ठीक है ना, स्टार्ट में तो कैसा होता है, स्लो होता है, ठीक है, स्टार्टिंग में तो कैसा होता है, स्लो, यहाँ लिख देते हैं रेट, स्टार्ट में तो क्या होती है, ये स्लो होती है, ठीक है, बीच में जाकर थोड़ी देर बाद लेटर क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज, ठीक है। अब इंक्रीज क्यों होती है, इंक्रीज इसलिए होती है कि सेल में फूड नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो फूड होता है, फूड वो कम हो जाता है, गोज डाउन, फूड जो होता है वो कम हो जाता है, फूड कम हो जाता है तो सेल डर जाती है, स्केरिसिटी में चली जाती है और जल्दी जल्दी क्या करती है, डिवीजन करना स्टार्ट करती है ताकि फूड ले सके, क्योंकि फूड कम हो गया, फूड कम पड़ गया ना, ठीक है। इसको पूरा होने में 15 से 20 मिनट का समय लगता है, 50 to 20 मिनट, ठीक है। कब, ऑप्टिमम कंडीशन, जब ऑप्टिमम कंडीशन होती है, ऑप्टिमम कंडीशन में 15 से 20 मिनट का समय लगता है इस प्रोसेस को पूरा होने में, क्लियर, समझ में आ गई बात। चलिए तो ये हो गया हमारा बाइनरी फिजन, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है आपका यहाँ पर बडिंग, नंबर दो जो रखा था हमने वो क्या रखा था, बडिंग को रखा था, बडिंग जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, बडिंग के बारे में हम जानकारी लेंगे, ठीक। तो अब बडिंग के बारे में हम बात करते हैं, देखो बडिंग के अंदर क्या होता है कि जो सेल होती है बैक्टीरिया की सेल, तो बैक्टीरिया की सेल के अंदर जो डीएनए होता है वे सेम तरीके से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर जो भी डीएनए होता है, जिस भी तरह का डीएनए होता है, पहले ये भी अपनी ग्रोथ करता है, पहले तो ये जो सेल होती है बडिंग सेल, जो बडिंग करने वाली सेल है वो अपने आकार में वृद्धि करती है इस तरीके, थोड़ा सा, ठीक है, और यहाँ पर अपने ऊपर एक अतिवृद्धि या इनिशियल जो है यहाँ पर छोटी सी प्रोजेक्शन क्रिएट कर लेती है, ठीक है। प्रोजेक्शन क्रिएट करने के बाद इस तरह से प्रोजेक्शन क्रिएट हो जाएगा इसका, प्रोजेक्शन क्रिएट होने के बाद में ये जो डीएनए होता है ये थोड़ा सा अपना ये भी क्या करता है, ग्रोथ करता है, यानी कि ये भी डिवीजन कर लेता है, डिवीजन करके ये भी दो भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है।
लास्टली ये जो डिवाइडेड डीएनए होता है, ये इस बैक्टीरियल सेल के अंदर जो ये अतिवृद्धि हुई है इसकी, इसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाता है, इसके अंदर ट्रांसफर हो जाता है इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से अपने अंदर, इसके अंदर भी थोड़ा सा पार्ट जो है, जो रेप्लिकेटेड डीएनए था वो चला जाता है। बाद में ये सेपरेट हो जाती है बड, और सेपरेट होकर ये अपना काम करना शुरू करती है, यानी कि बैक्टीरिया की तरह व्यवहार करती है, तो इसको हम बोलते हैं बड। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बडिंग बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बडिंग में क्या होता है बेसिकली, तो बडिंग के अंदर जो सेल वॉल होती है बैक्टीरिया की, सेल वॉल जो है बैक्टीरिया की, वो बैक्टीरियल सेल वॉल, ये बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल जो पोलर पार्ट होता है, जो ऊपर का जो सिरा होता है, वहाँ से कहीं से पतली सी हो जाती है, मतलब इसका जो साइज होता है थिकनेस की जगह पतली हो जाती है। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो पोलर एंड पर, जो पोलर एंड होता है इसका, या इसके पास में क्या हो जाती है, ये पोलर एंड पर थिन हो जाती है, पतली सी हो जाती है, पतली सी सेल वॉल बन जाती है। ठीक है, अब ये जो थिन सेल वॉल होती है, इसके अंदर नीचे जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें प्रेशर होता है, उस प्रेशर की वजह से उस साइटोप्लाज्म जो है प्रोजेक्टेड हो जाता है बाहर की तरफ में, प्रेशर की वजह से ये प्रोजेक्टेड हो जाती है। तो जहाँ पर थिन सेल वॉल होती है वहाँ पर जो साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, उसको क्या बोलेंगे हम, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, साइटोप्लाज्म का दबाव पड़ता है उससे एक ऐसी अतिवृद्धि सी निकल जाती है। ठीक है, ये कहलाएगा प्रोजेक्शन। ठीक है, प्रोजेक्शन, ठीक है, कहलाएगा प्रोजेक्शन, यानी कि जो साइटोप्लाज्म में उसका प्रोजेक्शन हो गया है, तो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन एमर्ज होता है इस साइड से, और ये इंक्रीज होता है, ये क्या होता है, इंक्रीज होता है, और इंक्रीज होकर क्या बनाता है, बड बनाता है, इसको ही हम बोलते हैं बड। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है बडिंग। समझ में आ गई बात, तो ये प्रोसेस होता है आपका बडिंग का। अब यहाँ पर जब साइटोप्लाज्म का प्रोजेक्शन हो रहा होता है, इसी समय पर, इस पर्टिकुलर टाइम पर, इसी टाइम पर इस सेल का जो जीनेटिक मटेरियल होता है, इस सेल का जो जीनेटिक मटेरियल होता है वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है, मतलब उसका क्या हो जाता है जी, डिवीजन हो जाता है, जो जीनेटिक मटेरियल होता है उसका क्या होता है, डिवीजन होता है। क्लियर, तो डिवीजन हो गया। अब डिवीजन होने के बाद यहाँ पर जो जीनेटिक मटेरियल उसका क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। डिवीजन होने के बाद में ये जो जीनेटिक मटेरियल होता है ये इस बड के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, डिवीजन हो गया, डिवीजन होने के बाद में ये जो मटेरियल है वो कहाँ हो जाता है, ट्रांसफर टू बड, बड के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, और जो बड होती है उसमें खांच बनना शुरू हो जाती है। इसी समय पर बड के अंदर क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन होता है, खांच होती है, और खांच होने के बाद में ये जो है अलग हो जाती है। ठीक है, न्यू डॉटर सोल, न्यू डॉटर सेल बना लेती है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल, ये इधर वाला प्रोसीजर और ये इधर वाला प्रोसीजर दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम बडिंग। ठीक है, नंबर थर्ड पे हमारा आता है सिस्ट का फॉर्मेशन, नंबर थर्ड पे आता है सिस्ट, सिस्ट को बोलते हैं पुटिका या पुटी। ठीक है, अब ये जो सिस्ट होती है ये क्या होती है, देखो ये जो बैक्टीरियल सेल होती है हमारी, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर, जो बैक्टीरिया की सेल होती है, बैक्टीरिया की सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो सिकुड़ जाता है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है इसका, साइटोप्लाज्म जो होता है वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, और ये सेल वाल को छोड़ देता है, सेल वाल को छोड़कर ये यहाँ पर इस तरह से इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, ये जो साइटोप्लाज्म होता है इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेटेड साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक, अब ये एक्यूमुलेटेड साइटोप्लाज्म जो होता है अपने चारों तरफ एक भित्ति नुमा संरचना क्रिएट कर लेता है, अपने चारों तरफ एक भित्ति, ये देखो ये तो एक्यूमुलेटेड साइटोप्लाज्म हो गया, और ये अपने चारों तरफ एक दीवार या सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं, एक भित्ति जैसी कठोर सी संरचना जो है वो निर्मित कर लेता है, जिसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है, ठीक है, सिस्ट या पुटिका कहा जाता है। ठीक है, एक थिक वाल फॉर्म हो जाती है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है सिस्ट। ठीक है, ये उसी तरह की होती है
जैसा एंडोस्पोर होता है, एंडोस्पोर के जैसी ही समान संरचना होती है, ठीक है। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जो सिस्ट है, ये पुटीका जो है, ये बाहर निकलती है और अपना जर्मिनेशन कर लेती है। सिस्ट इसलिए बनाता है बैक्टीरिया कि भविष्य में जब फूड आएगा या एनवायरनमेंट अवेलेबल होगा, सही तरीके का एनवायरनमेंट होगा, तो जर्मिनेशन कर सके। अदरवाइज अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे सूखा पड़ गया, ठीक है, वो जिस जगह पर बैक्टीरिया रह रहा है वहाँ पर लिक्विड माध्यम नहीं रहा, सूख गया, तो उस समय ये सिस्ट इसको बचा के रखती है, इस डीएनए को। और जब तक ये डीएनए बचा रहेगा यहाँ पर, तब तक ये जीवित रहेगा, मतलब ये दोबारा से रिजर्मिनेट कर सकता है। जैसे सोइल के अंदर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है, कभी तो पानी होता है, कभी नहीं होता है, तो कभी पानी नहीं है तो फिर उस समय ये पुटिकाओं का निर्माण कर लेते हैं, जैसे कि एजिटोबैक्टर के अंदर होता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सिस्ट, समझ में आ गई बात। तो देखो सिस्ट में क्या होता है, हम बात करते हैं इसकी। जो बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया के अंदर जो प्रोटोप्लास्ट होता है, वो प्रोटोप्लास्ट क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, एक्यूमुलेट। प्रोटोप्लास्ट क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, मतलब यहाँ पर ये ऐसे इकट्ठा हो गया। एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा हो जाता है, कहाँ पर, सेंटर में, बीच में, और सेल वाल को छोड़ देता है, ठीक है। अब ये जो एक्यूमुलेटेड से जो साइटोप्लाज्म होता है, इसके ऊपर जो है क्या बनती है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है इसकी, थिक वाल, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक मोटी सी थिक वाल जो होती है वो फॉर्म्ड होती है, ठीक है। मोटी सी भित्ती जो है यहाँ पर क्या होती है, फॉर्म्ड होती है, एक मोटी सी भित्ती यहाँ पर बनती है। अब ये जो मोटी सी भित्ती बनती है, इस थिक वाल को क्या बोलते हैं, हम सिस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, सिस्ट या पुटीका बोलते हैं, ठीक है। ये जो सिस्ट होती है, ये सिस्ट रेसिस्टेंट होती है भाई, ऐसी होती है, रेसिस्टेंट होती है, ठीक है ना, रेसिस्टेंट होती है एज एंडोस्पोर। जैसे कि एंडोस्पोर रेसिस्टेंट होता है, उसी प्रकार से ये सिस्ट भी क्या होती है, जो है सिस्ट भी क्या होती है, रेसिस्ट होती है, मतलब ये भी रेसिस्टेंट होती है किसी भी प्रकार के एनवायरमेंटल इफेक्ट से, ठीक है। अब देखो ये जो बैक्टीरिया है, ये जब रेसिस्टेंसी को, अपने डोरमेंसी को नष्ट करता है, तो वापस से दोबारा जर्मिनेशन करता है। ये जर्मिनेशन करता है फेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। कब करता है, ये जर्मिनेट हो जाता है, जर्मिनेट इन फेवरेबल फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन में क्या हो जाता है, ये जर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। इसका जर्मिनेशन हो जाता है फेवरेबल कंडीशन। इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है एजेटो बैक्टर, ठीक है जी। एजेटो बैक्टर के अंदर ये ऐसा होता है, ऐसा देखने को मिला है, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा प्रकार, ठीक है। जो चौथा प्रकार है उसके बारे में हम बात करते हैं, चार प्रकार हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में बाकी के प्रकार हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो फोर्थ प्रकार के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं, नंबर फोर्थ, यह है आपका सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन, ठीक है। सेगमेंटेशन को हम बोलते हैं, देखो थोड़ा सा हमारा लेग कर रहा है ये, है ना, सॉफ्टवेयर की वजह से वीडियो जो है थोड़ा सा पॉज हो जाता है, ठीक है। इसका कुछ इलाज करेंगे अभी, देखते हैं। तो सेगमेंटेशन जो है वो क्या होता है, सेगमेंटेशन बेसिकली, सेगमेंटेशन का मतलब है खंडन होना या विखंडन होना। सेगमेंटेशन का मतलब क्या हो गया, खंडन या विखंडन। तो खंडन या विखंडन जो है वो किस तरीके से होता है, इसी को हम बोलते हैं सेगमेंटेशन, समझ में आ गई बात। देखो सेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है, सेगमेंटेशन में जो बैक्टीरिया की सेल होती है, बैक्टीरिया की सेल है ये, ठीक है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर ये जो साइटोप्लाज्म बिखरा हुआ है, ये साइटोप्लाज्म क्या करता है, छोटी छोटी पुटिका नुमा संरचना बना लेते हैं, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म क्या करता है, छोटी छोटी सी संरचनाएं बना लेता है, ये इस तरह की गोलाकार संरचनाएं बना लेता है, मतलब ये जो साइटोप्लाज्म है, इस तरह की छोटी छोटी सी संरचनाएं अपनी बना लेता है, मतलब इकट्ठा हो जाता है, टूट जाता है, सेगमेंटेड हो जाता है, ठीक है। ये भी एक तरीके से यूँ समझिए कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाता है, उसके चारों तरफ एक भित्ति आवृत हो जाती है, मेम्ब्रेन जो है वो बन जाती है। ये जो संरचना होती है इसे कहा जाता है गोनीडिया, या कहा जाता है इसे गोनीडिया, याद रखना,
गोनीडिया नहीं कह रहा हूं मैं क्या कह रहा हूँ, गोनीडिया। देखो ये गोनीडिया क्या बनाता है, ये गोनीडिया बनाता है, ठीक है। अब ये जो गोनीडिया होते हैं, ये गोनीडिया इतने सारे हो जाते हैं कि ये जो मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। ये जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या रिलीज होता है, प्रेशर रिलीज होता है। प्रेशर होने की वजह से ये मेम्ब्रेन क्या करती है, इन गोनीडिया को बाहर की तरफ में छोड़ देती है, यानी कि फट जाती है। फट जाती है तो ये जो गोनीडिया इसके अंदर भर गए थे वो बाहर रिलीज हो जाते हैं। इस तरह से बाहर की तरफ में ये रिलीज हो जाते हैं और बाहर रिलीज होकर ये नया जर्मिनेशन करते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा सेगमेंटेशन। समझ में आ गया आपको सेगमेंटेशन का प्रोसीजर। सेगमेंटेशन कब होता है, देखिएगा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एक प्रकार से, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म ये पहले डिवाइड होता है, ठीक है। डिवाइड होकर बहुत सारे गोनीडिया बनाता है, डिवाइड होकर फॉर्म फॉर्म मेनी स्मॉल स्ट्रक्चर, मेनी स्मॉल स्ट्रक्चर, बहुत छोटी छोटी संरचनाएं बना लेता है, ठीक है ना। बहुत सारी छोटी छोटी संरचनाएं ये बना लेता है। तो ये जो संरचनाएं बना लेता है इन्हें कहा जाता है नॉन एज गोनीडिया। क्या कहा जाता है, गोनीडिया कहा जाता है। तो ये गोनीडिया स्ट्रक्चर, ठीक है, इन्हें कहा जाता है गोनीडिया, ठीक है। गोनीडिया जो होते हैं ये सेल वॉल भ्रष्ट होती है इसकी, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ये क्या हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। और भ्रष्ट होने से गोनीडिया जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। गोनीडिया रिलीज, गोनीडिया हो जाते हैं रिलीज। सेल वॉल हो गई भ्रष्ट, और भ्रष्ट होने से गोनीडिया क्या हो गए, रिलीज हो गए। समझ में ये बात, ठीक है। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये जनरेट अपने आप को जनरेट कर लेंगे और नया बैक्टीरिया बना लेंगे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे चार प्रकार, जिसके अंदर हमने बात की किसकी, अलग अलग प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। अब हमारा पांचवा प्रकार जो है वो है आपका कोनिडिया, छठा जो है वो है ओडियो स्पोर, ठीक है, और सातवां जो है वो है एंडोस्पोर, ठीक है। तो अभी हम जहाँ तक ही इसका अध्ययन करेंगे, चार प्रकार, तीन प्रकार जो है हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।